हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विभा और स्वागत है आप सबका अपने चैनल विभाज किचन एंड लाइफस्टाइल में। आज मैं आप सबके लिए एप्पल पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। इससे पहले कि मैं इसकी रेसिपी शुरू करूँ, आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने एक एप्पल लिया है। एप्पल को हमें छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेने हैं और बीज को अलग कर लेना है। तो इस तरह से सारे एप्पल को हम कट कर लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे पीसेज करने हैं हमें इसके। तो इस तरह से हम सारे के सारे एप्पल को कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेज में। तो एप्पल हमारा कट हो चुका है, अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और अब हम इसके एक बैटर तैयार करेंगे पाई के लिए। तो इसके लिए मैंने एक बोल लिया है, और इसमें हम 6 से 7 चम्मच मैंने इसमें मैदा का यूज़ किया है। मैदा के अलावा हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून घी। घी की जगह आप बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के अलावा हम इसमें डालेंगे दही, क्योंकि हम अंडे का यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून दही का यूज़ किया है। और अब हम इसमें 2 टेबल स्पून शुगर पाउडर ऐड करेंगे। अब मैंने 1 कप दूध ले लिया है, और इसे हम इसका बैटर तैयार करना है। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स करते हुए, जैसा हम केक का बैटर बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह के थिकनेस के साथ, हमें इस बैटर को तैयार करना है। तो इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस प्रोसेस को करने में फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए, बैटर हमारा अच्छे से रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, ये थोड़ा थिक था, तो इसलिए मैंने इसमें 1/2 कप मिल्क और ऐड किया है। और अब देखिए, बैटर का कंसिस्टेंसी देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए पाई के लिए। अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। अब हम एक पाई मोल्ड ले लेंगे, ये आपको किसी भी बर्तन की दुकान पे मिल जाएगा फ्रेंड्स। अब हम इस पाई मोल्ड में घी या बटर से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। इसे चारों तरफ से अच्छे से लगा देना है, ताकि जब हम इसमें बैटर डालें तो पाई बनने के बाद वो हमारे बर्तन में ना चिपके। अब हम इसके ऊपर एप्पल डाल देंगे। जो एप्पल हमने कट करके रखे थे, वो एप्पल हमें इसमें डाल देने हैं। अच्छे से चारों तरफ से फैला दिया है मैंने एप्पल को। अब मैंने इसमें डाल दिया है सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर के स्प्रिंकल करने के बाद हम इसमें बैटर जो हमने तैयार करके रखा था, वो बैटर हम इसमें डाल देंगे चारों तरफ से। अच्छी तरह से घुमाते हुए चारों तरफ से हम इसे बैटर अच्छे से डाल देना है इसमें, ताकि हमारा एप्पल अच्छे से ढक जाए इसमें। अभी इसे टैप कर लेना है, और इसे अच्छे से हम चारों तरफ से फैला देंगे एक ब्रश की सहायता से। इसके ऊपर फिर से हमें थोड़े से सिनेमन पाउडर स्प्रिंकल करने हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और यमी लगेगा हमारा पाई। एप्पल पाई में आप सिनेमन पाउडर का यूज़ ज़रूर करें, और किया ही जाता है इसे, यह बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। अब मैंने गैस पर एक कढ़ाई को गर्म होने के लिए डाल दिया है। अब कढ़ाई में हम एक स्टैंड डाल देंगे। स्टैंड डालने के बाद हमारा जो मोल्ड है वो हम इसमें डाल देंगे अच्छे से। और इसे ढककर कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है। और इसमें अगर इस तरह के ढक्कन का आप यूज़ कर रहे हैं, तो छेद को किसी भी कागज़ के टुकड़े चाहे किसी लकड़ी के साथ उसे ढक दें। अब हम पाई के लिए जो ऊपर से हम कैरेमल बना रहे हैं, एप्पल कैरेमल, तो इसके लिए मैंने गैस पर एक पैन में 1 कप पानी डाला है। उसके अलावा मैंने 2 से 3 टेबल स्पून शुगर पाउडर डाला है। और इस तरह से मैंने एप्पल को कट करके रख लिया है। इस एप्पल को हमें इसमें डाल देना है। ये जो चाशनी हम तैयार कर रहे हैं एप्पल पाई के लिए, उसमें हम ऐड कर देंगे। और इसे कम से कम 5 मिनट हम पकने देंगे चाशनी में ही। यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी और यमी पाई बनने वाली है हमारी। इसमें मैं थोड़े से और सिनेमन पाउडर यूज़ कर रही हूँ।
इसे इसका टेस्ट बहुत ही यमी होगा, खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। तो ये देखिए हमारा पाए जो है वो रेडी हो चुका है फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी बनाया है। अब मैं इसे डीमोल्ड करके इसके ऊपर जो मैंने कैरेमल एप्पल बनाए हैं वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो देखिए बहुत ही क्लीन निकला है, यानी कि पाए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो एप्पल पाई की, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।